गाड़ी में बैठते वक्त सई ने देखा विराट की आंखों में आंसू, तो वहीं पर विराट ने भी देखा सई की आंखों में आंसू, और वहीं पर ये सब कुछ ऑब्जर्व किया पाखी ने। यहाँ पर विनायक भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आया और वो भी सब कुछ ऑब्जर्व करता नजर आया। वेलकम है किसी के प्यार में की कहानी काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है, जहाँ पर आप सब देखने वाले हैं कि विनायक जो है वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इनफैक्ट पूरी तरीके से अभी नहीं ठीक हुआ है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी तो देख लीजिए यहाँ पर विनायक बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है और सही विनायक का कितना ख्याल रख रही है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि विनायक जो है वो इस बात को लेकर बहुत खुश है। यहाँ पर सही ने जो है वो विनायक को जो है उसको रेस में ले जाने के लिए फिल कर दिया है फॉर्म, और ये देखकर जो विराट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अंदर ही अंदर उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है। वैसे तो उसे उतना ज़्यादा गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि सई को लेकर उसे ऐसा ही लगता है कि सई तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मस्त है जगताप के साथ और सभी उसकी बेटी है। तो ये सारी जो कल्पनाएँ हैं विराट की, वही कल्पनाएँ उसे हमेशा ही परेशान करती रहेंगी आगे भी। फिलहाल यहाँ पर जो सीन आने वाला है वो ये सीन आने वाला है कि विनायक जो है वो ये कहता है कि अब तो हमें छोड़ना चाहिए सई आंटी को, यानी कि डॉक्टर आंटी को हमें उनके घर छोड़ना चाहिए, और इसी बहाने मैं घर भी देख लूँगा। अब यहाँ पर जो सई है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और साथ ही साथ विराट को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। जिसके बाद पाखी कहती है हाँ हाँ बेटा हम ज़रूर चलते हैं, और फिर वो तैयार हो जाती है। और फिर यहाँ पर एक सीन आता है जब विनायक को वो लेकर आती है, यानी कि सई जो है वो गाड़ी में बिठाती है और फिर खुद वो आगे बैठने जाती है विराट के साथ। लेकिन तभी यहाँ पर पाखी आ जाती है, और पाखी जो है एक अलग ही मूड में नज़र आती है। एक पल को जब आप पाखी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पाखी की जो शक्ल है उसे देखकर यही लगता है कि पाखी अभी भी काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि पाखी की शक्ल ही ऐसी है। मतलब ये है कि पाखी जो है वो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखती है। अब यहाँ पर जब सई जो है वो बैठने की कोशिश करेगी तभी यहाँ पर पाखी आ जाएगी, और फिर जो सही है वो कहेगी कि बैठिए मिसेस चौहान, और बस वो गाड़ी में आगे बैठ जाती है विराट के साथ, और सही जो है वो विनायक के साथ पीछे बैठ जाती है। और इस पूरे दौरान काफ़ी इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर विराट की आंखों में आंसू होते हैं, वो लगातार सही को देख रहा होता है, और सही की आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, सही भी विराट को देख रही होती है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, हालांकि विराट की तरफ से इमोशनल बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी विराट की आंखों में भी आंसू नज़र आते हैं, जिसे देखकर फैंस थोड़ा हो सकता है पिघल जाए। हालांकि विराट जो हरकतें करता है उसे देखकर वो लगातार ट्रोल होता ही रहता है। इधर सई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, लेकिन अपनी परेशानी वो किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और वो ये बात प्रूव कर चुकी है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, फिर चाहे वो विराट ही क्यों ना हो, उसे विराट की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, ये बात वो क्लियर कर चुकी है। यहाँ पर जो सई है वो भी विराट को देखती है, उसकी आँखों में भी आंसू होते हैं, और तभी विराट भी सई को लगातार देख रहा होता है, और अचानक से एक गड्ढा आता है और फिर गाड़ी जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है, जिसकी वजह से सई को चोट लग जाती है सिर पे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है विराट। और फिर यहाँ पर जो पाखी है वो ये देखती है कि जो विराट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सई की तरफ ही है, और इसी वजह से वो ढंग से गाड़ी नहीं चला पा रहा है। और इस दौरान पाखी का जो मूड होता है आप देख सकते हैं, उसकी शक्ल ही बता रही है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। फिलहाल यहाँ पर वो कहता है सॉरी डॉक्टर सई, और फिर दोनों जो है वो निकल जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा, गुम है किसी के प्यार की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म भी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।